नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति का मुद्दा सुलझते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक और मुद्दा उठा दिया है, और यह मुद्दा है बिहार में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर से कहा है कि आखिर बिहार में सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन क्यों नहीं किया जा रहा है, और इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने बाकायदा ट्वीट करते हुए इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला किया है। आपको बता दें कि कोर्ट के द्वारा 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का मामला सुलझते ही एक और मुद्दा, और तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन क्यों रुका हुआ है। क्या कुछ लिखा है तेजस्वी यादव ने अपने इस ट्वीट में, पहले सुनिए। तेजस्वी यादव ने लिखा है, लंबे अरसे से नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मियों को प्रोन्नति से वंचित किया हुआ है। सरकार को संविधान सम्मत न्याय संगत निर्णय लेकर सभी वंचित और योग्य कर्मियों को अविलंब प्रोन्नति देनी चाहिए। साथ ही सेवानिवृत्त और मृत कर्मियों को भी भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने की दिशा में सकारात्मक पहल हो। तो ये ट्वीट किया है तेजस्वी यादव ने, और उन्होंने कहा है कि बिहार के सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन क्यों रुका हुआ है। आपको हम बता दें कि बिहार में 2019 से ही बिहार के सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रुका हुआ है। हालांकि यह मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और हाई कोर्ट इस पर अपना फैसला भी सुनाने वाला है, लेकिन जिस तरह से कोरोना का संक्रमण चल रहा है इसे देखते हुए लगातार यह फैसला अटका हुआ है। और इस सबके बीच अब बिहार सरकार ने सफाई देते हुए कहा है कि जब तक कोर्ट की तरफ से इस पर फैसला नहीं आ जाता, हम कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह करना उचित नहीं होगा। लेकिन अब इस सबके बीच सवाल पूछा है तेजस्वी यादव ने कि आखिर बिहार में सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन क्यों रुका हुआ है। हम आपको यह भी जानकारी दे दें कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो लगातार प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, और इंतजार के इस क्रम में वो रिटायर भी कर रहे हैं, और यही कारण है कि कई सारी पद खाली भी हो चुकी है। और अब इन सभी को लेकर तेजस्वी यादव ने एक और मुद्दा उठाते हुए सीधे नीतीश सरकार पर हमला किया है कि आखिर बिहार में सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है। इस पर सरकार को सकारात्मक रुख लेना चाहिए और उन्हें इस पर सोच विचार करनी चाहिए। फिलहाल राज्य सरकार का कहना है कि वह कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है, क्योंकि जब तक कोर्ट में यह सुनवाई चल रही है, कोर्ट में इसे लेकर याचिका दायर की गई है, और यह याचिका 2019 में ही दायर की गई थी, और 2019 से ही बिहार के सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रुका हुआ है। इस सबके बीच राज्य सरकार ने भी अपनी सफाई दी है, लेकिन अब सवाल उठाया है तेजस्वी यादव ने, शिक्षकों की नियुक्ति का मुद्दा तो सुलझा, लेकिन अब बड़ा मुद्दा उठ गया है बिहार के सरकारी कर्मचारियों का। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। नमस्कार।